सब्सक्राइब कीजिए टेक इंडियन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं टेक इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और आप भी कैसे इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो या फिर उसकी जो सेविंग्स है उसको वो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा सके। तो इसीलिए कुछ लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, वहां से उनको इंटरेस्ट आता है। कुछ लोग अपने पैसे की फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं या फिर कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए है ये काफी अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत भी नहीं होती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू ₹1000 महीने की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उसमें कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है और आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट को आगे ले जा सकते हैं और आपको सालाना 10-20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं और आप भी किस तरह से SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ म्यूचुअल फंड्स में ₹1000 महीने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ आपको किसी बैंक या फिर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर EKYC को पूरा करना होता है और आप EKYC करने के बाद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है उसके लिए मुश्किल होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न्स पाएं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करते ही हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको बस अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल यानी कि आपसी। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि कुछ लोग मिलके एक फंड हाउस में म्यूचुअली पैसा दे देते हैं, यानी कि कुछ लोग पूल कर देते हैं अपनी मनी को एक फंड हाउस में। वो फंड हाउस एक हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर को अपॉइंट कर देता है आप लोगों के फंड को मैनेज करने के लिए, यानी कि उस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और जब वो फंड मैनेजर मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और टाइम के साथ साथ जब रिटर्न्स आते हैं यानी कि प्रॉफिट होता है, तो उसमें से अपनी फीस यानी कि 2-2.5% फंड मैनेजर रख लेता है और आपके पास पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो प्रॉफिट सभी इन्वेस्टर्स में बराबर बांट दिया जाता है अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स कुछ 3 या 4 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इक्विटी फंड्स और कुछ होते हैं डेट फंड्स और कुछ होते हैं बैलेंस फंड। तो मैं आपको बता दूं, इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं और वो हाईली रिस्क वाले होते हैं, यानी कि उसमें रिस्क जो होता है ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसमें रिस्क ज्यादा होता है उसमें प्रॉफिट कमाने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बिना रिस्क लिए तो कुछ भी नहीं मिलता है, कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो इक्विटी फंड्स में आपको रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है रिस्क फैक्टर कम होता है, तो वहां पर आपको जो है प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कम मिलता है। और तीसरे तरह के जो फंड होते हैं वो होते हैं बैलेंस्ड फंड। इनमें क्या होता है कि आपकी जो मनी है उसका कुछ हिस्सा इक्विटी फंड्स में लगाया जाता है और कुछ हिस्सा डेट फंड्स में लगाया जाता है, जिससे कि रिस्क और प्रॉफिट जो है उसको बैलेंस कर दिया जाता है, ताकि रिस्क भी कम रहे और प्रॉफिट भी आपको ठीक ठाक मिल जाए। तो आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शन होते हैं कि आप इक्विटी फंड्स में या फिर डेट फंड्स में लगा सकते हैं, और अगर आप मीडियम रिस्क को चूज करते हैं तो आप बैलेंस फंड को चुन सकते हैं। और इसमें भी 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होते हैं ओपन एंड फंड्स और एक होते हैं क्लोज एंड फंड्स। ओपन एंड फंड्स का फायदा यह है कि आप इसको किसी भी समय खरीद या बेच सकते हैं, और क्लोज एंड फंड्स जो होते हैं वो मैच्योरिटी तक आपको रखने ही पड़ते हैं, उसको आप बीच में बेच नहीं सकते यानी कि छोड़ नहीं सकते। तो ओपन एंड फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा अपना ही है कि आपको बीच में अगर पैसे की जरूरत भी है तो आप अपने फंड्स को बेच सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अपनी मनी को वापस ले सकते हैं वहां से। तो ओपन एंड फंड्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो इकट्ठा लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और यहाँ पर आप काफी टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आप नए हैं और तो स्टार्ट कहां से किया जाए, तो आप यहाँ पर SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था,
उसको भी चूज कर सकते हैं और ₹1000 महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड कर लीजिए और आप अपनी कंपनी से पूछ सकते हैं कि जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड का गोल क्या है, यानी कि उस फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा या फिर वो फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। तो आप ये सब जानकारी अपनी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने से पहले ले सकते हैं। और जो आपको जानकारी लेनी है वो ये लेनी है कि आपको पता करना है कि इस फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस फंड की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, यानी कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप उसका चेक कर सकते हैं कि पास्ट में इस फंड में कितनी ग्रोथ हुई है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उन्हें कितने परसेंट तक रिटर्न्स मिले हैं, और आपके इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, यानी कि इस फंड का जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका फंड मैनेजर कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें भी आपको देखनी होंगी। उसी हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं कि आपको जब पता होगा कि आपका जब फंड मैनेजर है वो क्वालिफाइड है और उसको काफी एक्सपीरियंस है, उसने काफी और सारे म्यूचुअल फंड्स चलाए हैं और उनको सक्सेस मिली है, तो उस तरह से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। और एक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी पता करना है कि क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपसे कोई फीस या फिर कोई एक्सपेंसेस लिए जाएंगे जो कि खरीदने या फिर बेचने पर लगते हैं, वो कितने लगते हैं, कितने परसेंट फीस या एक्सपेंसेस हैं, और आपको जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स होंगे उस पर टैक्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप इन्वेस्ट करने से पहले आप जानकारी ले सकते हैं कंपनी से और थोड़ी सावधानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। और अगर आपने अभी तक कभी भी म्यूचुअल फंड्स में या फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप भी अब SIP के थ्रू ₹1000 महीने में या फिर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।